एक ऐसा डिवाइस जो कि सीडीएस बिपिन रावत जी की डेथ के पहले वाली आवाज सुना सकता है, तो असलियत में ये डिवाइस है ब्लैक बॉक्स। और इसका यूज करना चालू किया था ब्रिटिश आर्मी में, तो असलियत में ये डिवाइस हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट की स्पीड या फिर उसमें चल रही पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बातचीत और इसी के साथ साथ एक बटन चालू बंद करने तक की आवाज़ रिकॉर्ड करता था। और इसी के साथ साथ सीडीएस बिपिन रावत जी की डेथ के मामले में जो हेलीकॉप्टर यूज़ हुआ था उसका ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। और असलियत में ये ब्लैक बॉक्स अब तो रेड आने लगे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये ब्लैक ही हुआ करते थे, लेकिन क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में इन्हें ढूंढने में दिक्कत होने लगी, इस वजह से इनका रंग रेड कर दिया गया। और आपको ये जानकर और ज़्यादा हैरानी होगी कि 10 से 15 दिन में ही ब्लैक बॉक्स से पूरी जानकारी इकट्ठी की जा सकती है और इसकी ताकत को चेक करने के लिए इस पर पूरे 2 टन का वेट डाला जाता है 5 मिनट तक। और इसी के साथ साथ इसे 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कंक्रीट की दीवार पर मारा जाता है और 1 घंटे तक 1100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर इसे गर्म किया जाता है और पानी में 6000 मीटर की गहराई तक छोड़ा जाता है। और इस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश में भी इसे नुकसान नहीं पहुंचता और इसे ब्लैक बॉक्स के अलावा फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहा जाता है। और सीडीएस बिपिन रावत जी को युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल और भी कई सारे मेडल्स मिल चुके हैं उनके कार्यकाल के समय।